नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे कब्ज पर लेकर। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम जो शायद से 125 करोड़ की आबादी में 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें कब्ज की शिकायत है, जो तरह तरह की दवाइयां ढूंढते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है कि कुछ टाइम बाद वो दवाई उनके शरीर पे असर करना बंद कर देती है। या तो किसी को उस दवाई से बहुत ज्यादा लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, या किसी को बिना दवाई के जो है मोशन नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी रेमेडी जो आप सिर्फ घर पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको किसी भी दवाई की जरूरत ना पड़े, तो ये सुन के ही हमें कितना अच्छा महसूस होता है। और ये चीज मतलब कितना सही रहेगा कि सुबह उठ के सेटिस्फेक्टरी मोशन हो रहा है, वो भी बिना दवाई के। तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लेकिन सबसे पहले एक चीज जो है वो अपने दिमाग में क्लियर करके चलना है, और वो ये है कि कभी भी हम कोई भी रेमेडी स्टार्ट करते हैं वो कभी भी 1 मिनट में हमें रिजल्ट नहीं देती। थोड़े दिन हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तो उसको कंसिस्टेंसी यानी कि कंटिन्यूटी में फॉलो करें। आपको क्या करना है, 200 ग्राम दूध लेना है, 10 से 12 मुनक्का लेना है, मुनक्के के बीज निकाल के उसको आपको दूध में डाल के उबालना है। जब आपको लगे कि कम आंच पे आप दूध उबाल रहे हैं, वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा रह जाए, आपको उसमें से मुनक्के को निकाल के चबाकर खाना है, और उसके बाद जो दूध आपका रह गया उसे आपको पीना है। 3 से 4 दिन आपको लगातार फॉलो करना है, और पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी जो आपको होगी, मतलब 10-15 साल पुराना अगर कोई पेशेंट है उस पे भी ये उतना ही इफेक्ट करेगी। और उसके बाद जो है आपको जैसे लगता है कि कितनी जल्दी आपका स्टमक क्लियर होना शुरू हो गया, कितनी जल्दी असर हुआ, तो उसके अनुसार आप इसके ड्यूरेशन में बदलाव कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि हम अपने चैनल पे हमेशा वही रेमेडी बताएंगे जो हम लोगों पे अप्लाई कर चुके हैं, जो लोग जो है उसे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी बीमारी को लेकर जानकारी चाहिए, या किसी भी टॉपिक ऐसा है जिसके रिलेटेड आपको कुछ होम रेमेडी चाहिए, इफेक्टिव होम रेमेडी, वो नहीं कि आपको 10 बता दी और उसमें रिजल्ट आपको 1 में मिल रहा है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर मेंशन किया, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।